दोस्तों, जब हम विंडो इंस्टॉल करने जाते हैं तो हमें विंडो इंस्टॉल करते समय काफ़ी एरर्स मिल जाते हैं, जिसमें कि एक एरर हमारा ये है कि जब हम विंडो इंस्टॉल करते हैं तो हमारी हार्ड डिस्क के जो पार्टीशन है वो हमें शो नहीं होते हैं। तो अगर आपके सिस्टम में भी या आपके सामने भी ऐसा एरर आपको देखने को मिल रहा है या आपके साथ भी ऐसा एरर आपको शो हो रहा है कि आपकी हार्ड डिस्क की पार्टीशन आपको शो नहीं हो रही है कि जिसमें आप विंडो इंस्टॉल कर सकें, आज मैं आपको इस वीडियो में दो तरीके बताऊंगा। दोनों तरीकों को आप फॉलो करना, आपकी ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। तो चलिए मैं आपको लाइव करके दिखाता हूँ इसको कि मैं अपने आ चुका हूँ अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। मैं यहाँ पे अपने लैपटॉप को पेन ड्राइव से बूट करवाता हूँ। यहाँ पे देखिए, मैं इसको बूट करवा लेता हूँ यहाँ से। और इसकी हम तो यहाँ पे हमने अपने पेन ड्राइव से इसको बूट करवा लिया है और इसकी विंडोज़ को इंस्टॉलेशन करके देखते हैं। तो देखिए, वीडियो की क्वालिटी थोड़ी आपको डाउन दिख रही होगी, लेकिन उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ क्योंकि मैं अपने फ़ोन के कैमरा से इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो यहाँ से हमें करना क्या है कि अपने विंडोज़ इंस्टॉलेशन के सेटअप को यहाँ से कंप्लीट करवा लेना है। यहाँ से देखिए, हम सेटअप को कंप्लीट कराएंगे और यहाँ से इसको विंडो को, जो भी विंडो इंस्टॉल करनी है विंडो सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हमें विंडोज़ का ये सेटअप को कम्प्लीट करना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे सामने ये स्क्रीन आ चुकी है कि अब हमें यहाँ पर अपनी हार्ड डिस्क की कोई भी पार्टीशन शो नहीं हो रही है जिसमें कि हम अपनी विंडोज़ को इंस्टॉल कर सकें। तो आप यहाँ पे, तो जब से ये VMD टेक्नोलॉजी आई है ना, तब से ये इशू देखने को हमें मिल रहा है। तो इसके लिए हमें करना क्या है, देखिए अपने सिस्टम को, अपने लैपटॉप को हम यहाँ से टर्न ऑफ कर लेते हैं, इसको शट डाउन कर लेते हैं और अगेन इसके बायोस में जाएंगे। इसकी बायोस की हमें एक सेटिंग करनी है। तो यहाँ पर देखिए, हम आ जाते हैं अपने बायोस की तरफ। तो हम अपने यहाँ पे देखिए बायोस पे आ चुके हैं। तो बायोस में देखिए, हमारी इन्फॉर्मेशन टैब में हमारी हार्ड डिस्क की इन्फॉर्मेशन हमें शो हो रही है, यानी कि हमारी हार्ड डिस्क हैं वो डिटेक्ट हो रही हैं। बायोस में हमारी हार्ड डिस्क डिटेक्ट हो रही हैं, लेकिन हमारी विंडोज़ इंस्टॉलेशन में पार्टीशन शो नहीं हो रहे हैं। तो हमें करना क्या है, देखिए यहाँ पर हमें एक सेटिंग करनी होगी। हम मैन टैब पर हमें आ जाना है। तो आप यहाँ देखिए, मैन वाला टैब है, मैन टैब में हमें आ जाना है। मैन टैब में आने के बाद अब हमें यहाँ पर करना क्या है, देखिए यहाँ पर F12 बूट मेन्यू के पास आपको ध्यान से देखना है। तो यहाँ पे मैं अपने सिस्टम में क्या करूँगा कि सिस्टम से मैं अपने कंट्रोल और एस बटन को एक साथ प्रेस करूँगा, यानी कंट्रोल एस प्रेस करूँगा। आप ध्यान से देखना यहाँ पे, देखिए यहाँ पे कंट्रोल एस प्रेस कर देता हूँ। जैसे ही मैंने कंट्रोल एस प्रेस किया तो यहाँ पे हमें VMD कंट्रोल का ऑप्शन शो हो गया। तो हमें यहाँ पे करना क्या है कि VMD कंट्रोलर ये इनेबल्ड है, इसको डिसेबल कर देना है। यहाँ पे इनेबल को डिसेबल कर देंगे और F10 दबा के इस बायोस की सेटिंग को हम सेव कर देंगे। सेटिंग सेव करने के बाद हम आ जाते हैं अपने विंडोज इंस्टॉलेशन के प्रोसेस की तरफ। यहाँ से देखिए, हम आपको अगेन दोबारा से अब विंडोज के इंस्टॉलेशन को कंप्लीट करते हैं। तो अब देखिए, यहाँ पे विंडोज के सेटअप को हम कंप्लीट करेंगे फटाफट से। देखिए, सेटअप को कंप्लीट कर दें। अब आप देख सकते हैं, देखिए हमारी हार्ड डिस्क के पार्टीशन हमें यहाँ पे ईजिली शो हो चुके हैं। तो ये इस तरह से आप कर सकते हैं। अगर इस तरह से भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है तो अब चलिए मैं आपको एक दूसरा तरीका बताता हूँ। तो दूसरा तरीका हमारा ये है कि हमें देखिए यहाँ पे फटाफट से अपने लैपटॉप को पेन ड्राइव से बूट करवाना है। बूट करवाने के बाद विंडोज़ के इंस्टॉलेशन को हम दोबारा से फटाफट से कंप्लीट करते हैं। और अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारी यहाँ पे हार्ड डिस्क की पार्टीशन शो नहीं हो रही है। तो अब हमें यहाँ पे करना क्या है कि यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन है लोड ड्राइवर का, इस लोड ड्राइवर पर हमें क्लिक करना है और यहाँ पर ब्राउज ऑप्शन पर हमें क्लिक करना है। तो इतना करने के बाद देखिए, हमारी ये वेंटोय नाम का पेन ड्राइव है, इसमें हमारी दो फाइलें पड़ी हैं, इंटेल VMD और नॉन इंटेल VMD। इंटेल VMD जिसमें इंटेल का प्रोसेसर लगा हुआ है और नॉन इंटेल VMD जिसमें इंटेल का प्रोसेसर नहीं है। हमारे लैपटॉप में इंटेल का प्रोसेसर है तो हम फर्स्ट वाली फाइल को सिलेक्ट करेंगे, इंटेल VMD को, और ओके पे क्लिक करते हैं। ये दो फाइलों का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके अपने पेन ड्राइव में इन फाइलों को डाल लेना है। विंडोज़ के इंस्टॉलेशन के समय ये आपको फाइलें अपने पेन ड्राइव में डाल लेना और तब आपको सिस्टम में बूट करवाना है। यहाँ पे देखिए, हम इसको फाइल को करेंगे सिलेक्ट और यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक थोड़ी सी प्रोसेस करेगा और देखिए इस तरह से हमारी यहाँ पे हार्ड डिस्क की पार्टीशन शो हो चुकी हैं। तो अब आप अपने सिस्टम में आसानी से विंडोज़ इंस्टॉलेशन कर पाएंगे। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो अभी भी आपकी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मुझे भी आपका सपोर्ट चाहिए।